अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इल्मे मिराज पर। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो अच्छा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे कि पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन चेक करेंगे इनहेरिटेंस का, इसके अंदर इसमें डिफाइन चेक देखेंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इल्मे मिराज की इंपॉर्टेंस क्या है इसको बिल्कुल शॉर्ट सा देखेंगे, फिर जो मेन हमारा टॉपिक है सक्सेशन क्या है, फिर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, और इसके रिलेटिंग जो रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, उसको हम कवर करेंगे। ये वीडियो जो सीरीज़ है मैंने अभी स्टार्ट नहीं करनी थी, पर किसी की फरमाइश पे कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे सब्सक्राइबर भी देने हैं, तो इसलिए मैं स्टार्ट करूँ। मेरे लैंड रेवेन्यू एक्ट की पहले थी। अच्छा, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इनहेरिटेंस है क्या। पर जनरल व्यू में आपको मैं बता दूँ कि इनहेरिटेंस कहते किसे हैं। जब कोई इंसान है मुसलमान मर जाता है, तो अपने पीछे जो जायदाद छोड़ता है, जो तरका छोड़ता है, तो उस तरके ने आगे किस तरह तकसीम होना होता है, इसका पूरा एक इल्म है, किसको कितना हिस्सा मिलना है, किसको कितना हिस्सा नहीं मिलना, किसको जायदाद देनी है और किसको जायदाद नहीं देनी, इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक हमें कौन बताता है? इनहेरिटेंस, इल्मे मिरास। इसकी मेजर दो ब्रांचेज हैं, इसको दो सेक्ट डील करते हैं। एक आपका हनफी है, जिसे आप सुन्नी सेक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर आप समझ लें तमाम देवबंद, अहले हदीस और अहले सुन्नत तमाम आते हैं। और एक है शिया, जिसके अंदर फिका जाफरी आता है। तो हमने इन दोनों को पढ़ना है इल्मे मिरास के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे हनफी स्कूल ऑफ थॉट को, कैनफी स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है। अगली चीज़ इनहेरिटेंस में हम जो देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन। आ गया सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए इनहेरिटेंस के अंदर, वो है इस इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये पता हो कि विरासत, इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। विरासत है क्या चीज़? पहले जो हम है इनहेरिटेंस की डिफाइन देख लेते हैं, इसकी डिफाइन क्या है। इनहेरिटेंस को डिफाइन करना, तो इसकी इजी जो डिफाइन है वो ये है कि डिवीजन ऑफ स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड कहते हैं मतवफ़ी को, जो बंदा मर गया। सोच चुके हैं, बार बार यूज़ होगा लफ्ज़ मतवफ़ी में। राइटिंग माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, डिवीजन ऑफ स्टेट, स्टेट कहते हैं कि तुर्के को, वो चीज़, वो माल जो छोड़ गया, कौन मरने वाला छोड़ गया, बेशक वो मूवेबल है इमूवेबल है, उसको डिवाइड करना है। आपने किस में डिवाइड करना है? अमंग इज लीगल एयर। लीगल एयर उसका बाप हो सकता है, उसके बच्चे, जो भी है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ और द लॉ ऑफ द सेक्टर, या जिस वो फिरके से वो तल्लक रखता है, तो उसके मुताबिक जो आपने तकसीम करनी है वो क्या है? इनहेरिटेंस है। ये तो हो गई इनहेरिटेंस की डिफाइन। अब आगे इसकी देख लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस। चलो इसे इरेज नहीं करते। अच्छा, इंपॉर्टेंस में इसका अंदाज़ा एक हदीस मुबारका से आप लगा लें, जो कि बहुत फेमस हदीस है। आप सल्लम की हदीस मुबारक है, जो दीन का आधा इलम है वो इल्मे मिरास है। विरासत का जो इलम है ये आधा इलम है, हाफ नॉलेज। कितना? हाफ नॉलेज, जो आधा हाफ नॉलेज ये है हमारा इल्मे मिरास। और इस तरह जो ईमान है, फेथ है, वो हाफ फेथ क्या है? सफाई है, क्लीननेस है। अच्छा, हाफ नॉलेज के इंपॉर्टेंस में क्या आ गया? हाफ नॉलेज है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अहादीस मुबारक मिलती हैं कि एक उसका मफहूम एक हदीस मुबारक की ये है कि कुछ लोग ऐसे जो पूरी ज़िंदगी नमाज रोज़ा कायम करते हैं, तकवा पे रहते हैं, लेकिन मरते हुए कुछ गलती ऐसी कर जाते हैं जिसकी वजह से उन आप समझ के उनकी बख्शिश ज़रा मशकूक हो जाती है, वो बख्शिश से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो वो गलती करते हैं मिरास में, मरते वक्त किसी का हक, किसी को हक दे देते हैं और किसी को हक नहीं देते। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर जो दूसरी अहादीस है, एक आधा इलम वाली हमने देख ली कि जो इल्मे मिरास है ये शरीयत का आधा इलम है। आधा इलम छोटी बात नहीं, इस्लाम का आधा इलम होना एक चीज़ का। और दूसरी बात आगे इसके अंदर हदीस, उसका मफहूम ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में उतने नेक अमाल नहीं करते, लेकिन जब वो मरते हैं तो मरने से पहले अपनी जो इनहेरिटेंस है, अपने जो पीछे वसीयत इस तरह कर जाते हैं कि जो इस्लाम और उसके कवानीन के मुताबिक होती है, तो अपनी बख्शिश का एक सामान बना जाते हैं। मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ। और दूसरे इसके मुखालिफ भी हैं जो ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करते हैं, लेकिन आखिर पे वो इल्मे मिरास या इसके अंदर आके डंडी मार देते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस का एक और आप अंदाज़ा इस तरह लगाए, बड़े बड़े हाजी नमाजी होते हैं जो जब विरासत की बारी आती है तो अपने कुछ वरासा को वो हिस्सा को खा जाते हैं। हज करते हैं, नमाज 5 बजे पाबंदी रखते हैं, सोमो सलाह की पाबंदी करते हैं, लेकिन जब बारी आती है हिस्सा देने की तो हिस्सा खा जाते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस में से है, जो कि अल्लाह ताला को ना पसंद है ये चीज़ें जो हिस्सा खाना किसी का।